Hello everyone, a very warm welcome to Byju's exam prep and a very warm welcome to a session. तो आज के सेशन में हम आगे बढ़ने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिविजन सेशन ऑन नेशनल मूवमेंट. जैसा कि आप सब जानते हैं, नेशनल मूवमेंट इज दैट वन टॉपिक जहां से हर साल हमें क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस इज दैट वन एरिया जिसको अगर हम ठीक तरीके से करके जाएंगे इन द एग्जामिनेशन, देर आर अप्रोक्सिमेटली 15 टू 18 क्वेश्चंस जो ये सेक्शन हमें स्पेसिफिकली गारंटी करता है. सो रिसेंटली जो आपने देखा है प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स ऑफ द क्वेश्चंस जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से आ रहे हैं, so we are getting one liner questions ke sath sath proper detailed theory question, at the same time we are getting comprehension questions as well. So in every way this topic becomes very very important. To aaj ke session mein isi topic ka fatafat revision karenge, to jaldi jaldi session join kar lijiye and then we will start. Okay, so Pushpa, Monica, Sandhya, then शनवास, दिलवार, शीतल, विकास, सरिता, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. सी मोनिका, कुछ कुछ सेट एग्जामिनेशंस का फॉर्म आप भर सकते हो इवन इफ यू आर फ्रॉम द अदर स्टेट. कुछ कुछ में डोमिसाइल मांगते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप भरने जाओ तो एक बार आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर पढ़ लेना कि वो स्पेसिफिकली आपको सूट कर रहा है या नहीं. ठीक है, सो वंदना, दीपांकर, पाथू, दिलवर, सैश्री, शांति गोपाल, गुड आफ्टरनून, श्वेता, गुड आफ्टरनून. ओके, तो जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लीजिए. बिफोर वी ज्वाइन, फटाफट से वी हैव सम क्विक अनाउंसमेंट्स, तो जल्दी जल्दी शुरू करेंगे. सो श्वेता, मनीषा, दिलावर, जल्दी जल्दी ज्वाइन इन कर लीजिए. ओके, चलिए. सो आई थिंक जल्दी जल्दी ज्वाइन इन कर लो. चलो ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ज्वाइन इन. तो सबसे पहले क्विक अनाउंसमेंट्स है हमारे लिए एंड सबसे पहले जो लोग हमें पहली बार ज्वाइन किए हैं, दिस इज स्पेसिफिकली आर टेलीग्राम चैनल बायजूस एग्जाम प्रेप हिस्ट्री फॉर यूजीसी नेट. सो प्लीज मेक श्योर कि जल्दी जल्दी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें फॉर एनी इंपॉर्टेंट सेशंस रिगार्डिंग हिस्ट्री. अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं फॉर एनी पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, दीज सेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू ऑल ओवर. एट द सेम टाइम मैं आपको मिलती हूँ दो बार, ऐप पे और यूट्यूब पे. हमारे ऐप क्लासेस होते हैं, मैं लेती हूँ 11 AM एवरी मंडे एंड आई टेक यूट्यूब क्लासेस ऑन 3 PM थर्सडेज एंड फ्राइडेज. तो ये मेरे डेजिग्नेटेड डेट्स है, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन. अब सो कल जब हमने क्लास एंड किया था तो मैंने आपसे एक प्रॉपर होमवर्क क्वेश्चन पूछा था एंड अनफॉर्चुनेटली होमवर्क क्वेश्चन का आंसर उसी के नीचे दिया हुआ था. तो आई थॉट मे बी मोस्ट ऑफ यू वुड गिव द आंसर, बट काफी कम लोगों ने जवाब दिया है. सो क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन से चाइनीज ट्रैवलर हैं जो हर्षवर्धना के टाइम पे आए थे. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर भी स्पेसिफिकली था कि हर्षवर्धना एंड बेसिकली भास्कर वर्मा के टाइम पीरियड में कौन से ट्रैवलर हैं हु इज कॉमन, जिन्होंने की किंगडम विजिट की है. सो द करेक्ट आंसर वाज वान सांग एंड देन वी हैव मोनिका, आयुषी, देन वी हैव मांधवी, देन वी हैव मतांगिनी, देन वी हैव शायरी, राहुल और श्वेता. सिर्फ इतने कम लोगों ने सही आंसर दिया है जबकि आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ था. सो प्लीज मेक श्योर कि आप होमवर्क सेशंस का जो आंसर है उसको हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट विथ किसने किसने क्या क्या जवाब दिया है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव अ मेगा वर्कशॉप. ये मेगा वर्कशॉप है 24 फरवरी को 8 बजे. इस वर्कशॉप में आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप कैसे 6 मंथ स्ट्रेटजी एम कर सकते हैं सपोज फॉर एग्जामिनेशन जो जून में एग्जामिनेशन दे रहे हैं. सो कुछ ऐसी गलतियां जो मोस्टली शायद आप रिपीट कर रहे होंगे जिसके वजह से शायद एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहे या कुछ नंबरों से छूट जा रहे हैं. सो व्हाट्स गोइंग टू बी एन आइडियल स्ट्रेटजी जहां पे स्पेसिफिकली आप पेपर वन प्लस आपके पेपर टू सब्जेक्ट्स को लेके आप स्पेसिफिकली आगे बढ़ सकते हैं. सो व्हाट्स गोइंग टू बी दैट एंटायर परफेक्ट स्ट्रेटजी जो आपको 100% इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट नेट क्लियर करा सकता है. सो दिस इज वी आर गोइंग टू डू 24 फरवरी 8 बजे. जल्दी जल्दी से इसके लिए रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा एंड गुड न्यूज ये है कि जब सेशन खत्म होगा तो वी आर गोइंग टू गिव यू सम एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज प्रॉमिस्ड, आप लोगों के लिए है मेगा सेशन. सो वी हैव हिस्ट्री लाइव मॉक जहां पे हम 50+ क्वेश्चंस करने वाले हैं. इन दिस 50+ क्वेश्चंस हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये खत्म करेंगे. एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, हिस्टोरियोग्राफी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली सॉल्व फ्रॉम दिस एरिया. ठीक है, तो ये होगा 11 बजे ओनली ऑन बायजूस ऐप. तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन करना ना भूलें और 11 बजे का टाइम आप सेव कर लीजिए. इट्स गोइंग टू हैपन दिस संडे. ठीक है, तो ये सेशन होने वाला है संडे को विच इज 19 फरवरी. तो प्लीज भूलिएगा मत एंड सेव इट एनीवेयर सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट इट. ठीक है,
चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे ऐप का पूरा स्केड्यूल है। तो जैसा कि आप हमेशा देखते हैं, महाजनपद हमने खत्म कर लिया, इंस्क्रिप्शंस भी फिनिश। दिस मंडे स्पेसिफिकली हमारा संडे मेगा मैराथन के बाद मंडे जो सेशन होगा, हम मौर्यास, पोस्ट मौर्यास प्लस पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज को यहाँ पे कर लेंगे। तो जिनको भी डायनेस्टीज में काफी प्रॉब्लम होती है, दो क्लासेस में हमने बेसिक क्वेश्चंस किया था यूट्यूब पे, अब इसके थोड़े एलिवेटेड लेवल के क्वेश्चंस हम ऐप पे करेंगे। सो ये स्पेसिफिकली 20 फरवरी मंडे को होगा, एंड 27 को हम करेंगे पर्सनैलिटीज और नेशनल मूवमेंट पे बहुत ही क्विक रिविजन सेशन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए, और ये हमारा आगे का प्लान है। सो सेव इट सो दैट वी कैन डू दिस वेल। चलो, सो सी यू नाउ, लेट अस स्टार्ट। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द कॉर्नवालिस कोड? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्थानीय प्रशासन जो है, ये स्पेसिफिकली प्लेस किया गया था इन द हैंड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर्स, जो कि स्पेसिफिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे। लैंड रेवेन्यू असेसमेंट वॉज फिक्स्ड परमानेंटली विद जमींदार। Private trade was forbidden for all members of the East India Company. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जब भी हम कॉर्नवालिस कोड की बात करते हैं? स्थानीय प्रशासन को जिले स्तर पर राजस्व संग्रहों के हाथ में रखा गया था। देन वी हैव भू राजस्व नियंत्रण स्थायी रूप से जमींदारों के पास निर्धारित किया गया था, या ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी सदस्यों के लिए निजी व्यापार वर्जित था। सो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जब हम कॉर्नवालिस कोड की स्पेसिफिकली बात करते हैं? सो लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर हियर। चलो, सो स्नेहा, मोनिका, पद्मिनी, दीपांकर, सुस्मिता, शीतल, एवरीवन करेक्ट, रुहिल, सौम्या, शैश्री, अजय, पाठक, एब्सोल्युटली करेक्ट, सो सरिता, पुष्पा, आयुषी, एब्सोल्युटली। सो द करेक्ट आंसर विच मोस्ट ऑफ यू हैव सेड हियर इज बी, एंड आई थिंक सबने सही दिया है। ये जो प्राइवेट ट्रेड है, ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फॉरबिडन नहीं था। दिस प्राइवेट ट्रेड वॉज फॉरबिडन ओनली टू द मेंबर्स ऑफ टू ब्रांचेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पेसिफिकली जो रेवेन्यू और जुडिशियरी के थे। ठीक है, उनको कंपेंसेट किया गया था एक न्यू जेनरस स्केल ऑफ पे से, बाकी सब के लिए ये परमिशन नहीं ग्रांट थी। ठीक है, सो इट वॉज जस्ट फॉरबिडन फॉर दीज टू ब्रांचेस, नॉट ऑल ईस्ट इंडिया कंपनी मेंबर्स। ठीक है, सो कॉर्नवालिस कोड वॉज अ बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन जिसको स्पेसिफिकली इनैक्ट किया था 1793 में बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड इसको डेवलप किया था कॉर्नवालिस ने, जो स्पेसिफिकली हमारे गवर्नर थे बंगाल के 1786 to 1793। ये स्पेसिफिकली ये जो कॉर्नवालिस कोड है, इज इंटरेस्टेड द जमींदार, जो स्पेसिफिकली उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंटरेस्ट किया गया। एट द सेम टाइम उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी प्रोवाइड की विद दिस लैंडलेस क्लासेस। एट द सेम टाइम सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि ये जो कॉर्नवालिस कोड था, इट वॉज बेस्ट नोन फॉर परमानेंट सेटलमेंट, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर क्लॉज। तो कॉर्नवालिस कोड पे काफी बार क्वेश्चन आता है बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो एक बार इसके बेसिक जो फीचर्स है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सो अब सेकेंड क्वेश्चन, इनमें से किस पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं? ये स्पेसिफिकली अरेस्ट हुए थे ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। ये वाइस प्रेसिडेंट थे इंडियन होम रूल लीग के, एट द सेम टाइम ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी थे, जो 1924 से 1930 और 1935 का जो टाइम पीरियड है। इन्होंने ज्वाइन की थी रिस्पॉन्सिबिलिस्ट पार्टी, जो कि बनी थी 1926 पे। एट द सेम टाइम ये जनरल सेक्रेटरी भी थे एंटी कम्युनल अवार्ड कमिटी के 1935 में। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, विच पर्सनैलिटी इज करेक्ट? वी टॉकिंग अबाउट सी एन अरुंदई, हम बात कर रहे हैं जी एस अरुंडेल की, हम बात कर रहे हैं एम ए अंसारी की, और वी आर टॉकिंग अबाउट माधव श्रीहरि एन ए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट? चलो, सो द करेक्ट आंसर हियर, मोस्ट ऑफ यू हैव सेड इट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इज डी, दैट इज माधव श्रीहरि एन ए। तो सबसे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे इंडियन होम रूल लीग के, स्पेसिफिकली मेंबर भी थे लेजिस्लेटिव असेंबली के 1924 से 30 और 1935 के टाइम पीरियड में। इन्होंने ज्वाइन की थी रिस्पॉन्सिबिलिस्ट पार्टी, जो स्पेसिफिकली फॉर्म हुई थी 1926 में। ये जनरल सेक्रेटरी थे एंटी कम्युनल अवार्ड कमिटी के। एट द सेम टाइम इनको टाइटल भी दिया गया था लोकनायक बापूजी का। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के, और इन्होंने संविधान सभा ज्वाइन की थी इन द ईयर 1947। तो ये पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको कॉम्प्रिहेंशन वन लाइनर क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो एक बार सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वी आर गोइंग टू गो थ्रू इट। चलिए, इनमें से कौन से ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे जिसको स्पेसिफिकली मार्च 1929 में अरेस्ट किया गया था?
इनमें से कौन ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे जिसे मार्च 1929 में भारत में गिरफ्तार किया गया था? फिलिप स्प्रैट, हम बात कर रहे हैं बेन ब्रेडली की, और हम बात कर रहे हैं लेस्टर हचिनसन की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? चलो, तो आई थिंक एवरीबडी हियर इज करेक्ट। चलो जल्दी जल्दी। चलिए, सो मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। द करेक्ट आंसर योर विदाउट फेल इज डी, दैट इज 1, 2, and 3। फिलिप स्प्रैट, ब्रेन ब्रैडली एंड लेसर हचिनसन। तो सबसे पहले बाय 1929 आप देखोगे जो गवर्नमेंट थी ये काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि बहुत सारा कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस स्पेसिफिकली होने लगा था हमारे नेशनल मूवमेंट में। एट द सेम टाइम ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स में भी हमें कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस दिखने लगा था। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली इट कम्स डाउन टू स्ट्राइक हार्ड। एंड इसी पूरे के पूरे सिलसिले में मार्च 1929 में इन्होंने 32 पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया था, जिसमें तीन ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे जो थे फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडली एंड लेसर हचिनसन। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू नंबर 4। इनमें से कौन से लोग हैं जो कानपुर बोल्शेविक केस में इन्वॉल्व थे? सो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में इनमें से कौन-कौन से लोग हैं जो शामिल थे? सो वी हैव एमसी चगला, वी हैव मुजफ्फर अहमद, वी हैव शौकत उस्मानी, और वी हैव बेसिकली काजी नजरुल इस्लाम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन बोल्शेविक षड्यंत्र केस जो कि हुआ था कानपुर में? सो विच इज करेक्ट? चलिए, सो कानपुर बोल्शेविक केस, पहले तो इसका ईयर वी हैव टू ऑलवेज नो, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में आ सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली इनमें से कौन से लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, दिस टाइप ऑफ ट्रेंड इज ऑल्सो देयर इन प्रीवियस ईयर्स। तो इनमें से कौन से क्वेश्चंस हैं जो सही हैं, लेट्स सी हु गेट्स दिस राइट। चलिए, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, 2 and 3 ओनली, मुजफ्फर अहमद एंड शौकत उस्मानी। सो 1924 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये स्पेसिफिकली कर्ब करने की कोशिश करती है कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को, एंड यहाँ पे ऐसे दांगे मुजफ्फर अहमद, नालिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी। इन लोगों को स्पेसिफिकली आप देखोगे जो कानपुर बोल्शेविक केस है इसके मामले में स्पेसिफिकली इनको अरेस्ट किया जाता है, एंड ये चारों को अप्रोक्सिमेटली 4 years की सजा जो है ये स्पेसिफिकली सुनाई जाती है। ओके, मूविंग टू नंबर 5। दिल्ली प्रपोजल्स को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था अपने मद्रास सेशन में। दिल्ली प्रपोजल्स ने स्पेसिफिकली बोला था कि हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए टू मुस्लिम्स इन सिंध, बालूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, एट द सेम टाइम जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ प्रशासन हमारे इंडिया में चलता है उसका जेनेसिस नेहरू रिपोर्ट में था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट? दिल्ली प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन में स्वीकार किया गया। दिल्ली प्रस्ताव ने सिंध, बालूचिस्तान और उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में मुसलमानों को एक तिहाई प्रतिनिधित्व देने का आह्वान किया। भारत गणराज्य में स्पेसिफिकली प्रचलित प्रशासन के वर्तमान रूप की उत्पत्ति नेहरू रिपोर्ट से हुई। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं दिल्ली प्रपोजल्स की? चलिए, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, सिर्फ और सिर्फ 1 सही है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली जो दिल्ली प्रपोजल्स थे इसको एक्सेप्ट किया गया था इन द मद्रास सेशन जो कि हुआ था दिसंबर 1927 में। दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि इस प्रपोजल में स्पेसिफिकली हमने बोला था हमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स चाहिए इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, स्पेसिफिकली 1/3 रिप्रेजेंटेशन बोला गया था मुस्लिम्स के लिए इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स पंजाब और बंगाल में एज पर देयर पॉपुलेशन, और हमने बोला था कि हमें 3 मुस्लिम मेजोरिटी प्रांत चाहिए सिंध, बालूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। ठीक है, मूविंग टू नंबर 6। जब हम वुमेन लीडर्स की बात करते हैं, महिला नेताओं की बात करते हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही है? एनी बेसेंट ने सपोर्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को स्पेसिफिकली बर्लिन से। विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने स्पेसिफिकली कैबिनेट पोजीशन हेल्ड किया था इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड देन वी हैव मार्गरेट एलिजाबेथ कजिन, स्पेसिफिकली इन्होंने फाउंड किया था द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? सो
सो एनी बेसन सपोर्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम बर्लिन. विजयलक्ष्मी पंडित वॉज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने होल्ड किया था कैबिनेट पोस्ट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया. एंड बेसिकली जो मार्गरेट एलिजाबेथ कजन्स हैं, इन्होंने ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट? चलिए, सो लेट्स सी विच इज करेक्ट. चलो बिल्कुल सही है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, टू एंड थ्री ओनली. पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि एनी बेसेंट जो है इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था होम रूल लीग मूवमेंट में 1916 में. इनकी डेथ हो जाती है 20 सितंबर 1933 को व्हेन शी वाज 85 इयर्स ऑफ एज. तो ऑब्वियसली शी वाज नॉट देन 1942 के टाइम पे जब क्विट इंडिया हुआ था. विजय लक्ष्मी पंडित पहली वुमेन थी जिन्होंने कैबिनेट पोजीशन हेल्ड किया था प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में. 1937 में इनको इलेक्ट किया गया था टू प्रांतीय लेजिस्लेचर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, जहां पे ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ की मिनिस्टर बनी थी. लेटर इन्होंने 1938 तक ये पोजीशन लिया था. आफ्टर दैट यू विल सी 1946 से लेके 1947 तक शी हेल्ड दैट पोजीशन. ठीक है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी बाय मार्गरेट कजन 1927. ये स्पेसिफिकली हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो आप सबको पता है मोस्टली केटर करता है वुमेन्स एडुकेशन एट द सेम टाइम चिल्ड्रेन और सारे वुमेन राइट्स इशू को टैकल करने के लिए. चलिए मूविंग टू नंबर 7. With reference to trade unions, जो कि हमारे freedom struggle में थे, इनमें से कौन से statements हैं जो सही हैं? The All India Trade Union Congress was the oldest trade union, जो कि specifically स्थापित हुआ था इंडिया में. Bombay Mill Hands Association form हुई थी 1890 में under N.M. Lokhande. And basically अनुसूया साराभाई जो है ये mostly आप देखोगे भारत में महिला श्रमिक आंदोलन की अग्रणी थी. She was the pioneer of women's labor movement. तो इनमें से कौन से statements हैं जो सही है? चलो, so which of the following here is correct? So All India Trade Union Congress सबसे oldest trade union था जो कि specifically इंडिया में establish हुआ था. बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन फॉर्म हुआ था 1890 में अंडर एनएम लोखंडे. एंड देन वी हैव अनुसुईया बहन जो कि बेसिकली सारा भाई थी. शी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पायनियर ऑफ वुमेन लेबर मूवमेंट इन इंडिया. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स हैं जो सही है? अब ये क्वेश्चन भी देखना, ये क्वेश्चन कितने लोग आंसर करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा है. एंड आई थिंक टिल नाउ रूहेल हैज गिवन द राइट आंसर. सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्पेसिफिकली is most importantly, चलो सर कुछ लोग सही दे रहे हैं, is actually C, which is 2 and 3. All India Trade Union Congress जो है इसकी स्थापना हुई थी 1920. ठीक है, आपको सबको पता है लाल लाजपत राय, एन एम जोशी, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन था. ठीक है, टू प्रोवाइड लेबर रिप्रेजेंटेशन. बट ये ओल्डेस्ट नहीं था क्योंकि इसके पहले भी लेबर यूनियंस आ चुके हैं, जैसे बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जो कि 1890 में था, मद्रास लेबर यूनियन बीपी वाडिया द्वारा 1918. तो उसके पहले भी एसोसिएशन आ चुके थे, तो वो सबसे ओल्डेस्ट नहीं था. ठीक है, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन फॉर्म हुआ था 1890 में बाय एनएम लोखंडे. ये बिल्कुल सही है. अनुसुईया साराभाई जो थी, शी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो वुमेन लेबर मूवमेंट की पायनियर थी और इन्होंने काफी मेजर रोल प्ले किया था. अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जिसकी स्थापना हुई थी 1920 में. ठीक है, मूविंग टू नंबर 8. इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. वी हैव फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देन वी हैव अडॉप्शन ऑफ पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ हिंदू महासभा. तो ये पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. मुस्लिम लीग का गठन, मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स, भारत कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, देन वी हैव INC का पूर्ण स्वराज का सेशन एंड वी हैव हिंदू महासभा का गठन. सो विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? चलिए, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट. ओके, सो आई थिंक एब्सोल्युटली करेक्ट. चलो बिल्कुल सही है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, एज मोस्ट ऑफ यू हैव सेड. तो सबसे पहले मॉर्लेमिंटो, हमारा मुस्लिम लीग 1906, मॉर्लेमिंटो 1909, हिंदू महासभा 1950, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 एंड पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन 1929 के सेशन में. ओके, नंबर 9.
जब हम स्पेसिफिकली दादा भाई नारोजी की बात करते हैं और उनकी वर्क के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली इन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, तो इनमें से इन्होंने एक बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन किया है इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क में. तो इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ड्रेन थ्योरी को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करती है? दैट अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वॉज बींग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गॉट नो मटीरियल रिटेन. There that the resources of India was being utilized in the interest of Britain, that the British industrialists were given an opportunity to invest in India under the protection of imperial power, that the British goods were being imported to India, making the country poorer day by day. तो इनमें से कौन सी एक ऐसी statement है जो बहुत ही best तरीके से ड्रेन theory को explain करती है as given by दादा भाई नारोजी in his work Poverty and Un-British Rule? ठीक है, भारत की राष्ट्र संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था. कि भारत के संसाधनों का ब्रिटिश के हित में उपयोग किया जाता था, इसका मतलब है ड्रेन थ्योरी. या ब्रिटिश उद्योगपति को सामाजिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने का अवसर दिया गया, या ये है स्पेसिफिकली हमारा ड्रेन. या ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयात की जा रही थी, जिससे देश दिनों में अधिक काफी जो लोग हैं वो गरीब हो रहे थे. तो व्हाट इज द बेस्ट ड्रेन थ्योरी? करेक्ट करेक्ट आंसर हियर इज ए, कि हमारी जो संपत्ति है वो ब्रिटिशर्स को जा रही थी और हमें उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था. इट वॉज अ, तभी हम ड्रेन को क्या कहते हैं, यूनिलैटरल, कि भाई एक साइड से पैसा जा रहा है बट दूसरे साइड से उस पैसा का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है. ठीक है, मूविंग टू नंबर 10. हाउएवर ये प्रीवियस ईयर में आपको ईयर भी आया था अभी 2 साल पहले, कि दादा भाई नारोजी का ये थ्योरी कब आया था, तो 1867 इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल. ठीक है, मूविंग टू नंबर 10. जब हम महात्मा गांधी जी के स्वराज के बारे में बात करते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? स्वराज इज लिंक्ड विद अहिंसा एंड सत्याग्रह. स्वराज हैज टू सेंसेस, एक पॉलिटिकल एक बियॉन्ड पॉलिटिकल. ठीक है, स्वराज इज समथिंग दैट रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस एंड बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ स्वराज बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी हम प्राप्त कर सकते हैं. तो जब हम स्वराज शब्द की बात करते हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही है? ठीक है, अहिंसा और सत्याग्रह के साथ स्वराज घनिष्ठ से जुड़ा हुआ है. स्वराज के दो अभिप्रिय हैं, एक राजनीतिक और एक राजनीति क्षेत्र से परे. स्वराज कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य होना चाहिए, और अगर संकल्प करेंगे तो स्वराज काफी शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है. सो विच इज करेक्ट? ओके, सो वी हैव मिक्सड आंसर्स, लेट अस सी. देखो ये सब स्टेटमेंट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी कॉमनली आ चुका है पेपर में. द करेक्ट आंसर इज डी. ये क्यों गलत है? क्योंकि स्वराज हमें शीघ्र नहीं मिलेगा. स्वराज के लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, टाइम लग सकता है टू गेट स्वराज, बट ऐसा नहीं कि लेट हो रहा है तो हमने छोड़ दिया. ठीक है, तो आप कितना भी ट्राई कर लो, स्वराज शीघ्रता से प्राप्त नहीं होगा. इट कैन टेक टाइम, जिसके लिए आपको पेशेंस और डिटर्मिनेशन अपने पास रखना पड़ेगा. ठीक है, चलिए नंबर 11. विथ रेफरेंस टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो सही है? He believed that satyagraha without constructive work is like a sentence without a verb. इन्होंने अपनी PhD लिखी थी specifically on the topic of salt satyagraha, जहां पे उन्होंने focus किया था महात्मा गांधी जी के socio-economic theory पे. इन्होंने recognize किया था कि caste more than class, India के progress में काफी जो huge major backlog है वो basically ये है, caste more than class. हमारे आगे की प्रोग्रेस को ये सबसे ज्यादा रोकता है. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स है जो सही है जब हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं? ठीक है, उनका विश्वास था कि रचनात्मक कार्य के बिना सत्याग्रह क्रिया रहित वाक्य जैसा है. जिन्होंने महात्मा गांधी के सामाजिक आर्थिक सिद्धांत पे स्पेसिफिकली PhD शोध लिखा है, उन्होंने ये पहचाना कि भारत की प्रगति में जाति वर्ग से अधिक विशाल बाधा है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी. ये सारे ही बिल्कुल सही हैं. तो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा आपको आ सकता है, इट हैज कम मल्टीपल टाइम्स, या कॉम्प्रिहेंशन आ जाए तो लिटिल बिट एक्स्ट्रा वी विल कीप डूइंग, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, कभी एलिमिनेशन में आपको ये सब काम दे देगा. ठीक है, नंबर 12. विथ रेफरेंस टू पूना पैक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही है? पूना पैक्ट ने स्पेसिफिकली जो आइडिया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, उसको अबैंडन किया. At the same time, seats reserved थे for depressed classes and minority, जिसको specifically increase किया गया था to 18% of total central legislature. So, which of the following here is correct? जब हम पूना पैक्ट की बात करते हैं,
सो ऑल दोस पीपल हु हैव कम लेट, संडे को हमारा 11 बजे मेगा सेशन होने वाला है जहां पे वी आर गोइंग टू डू अ प्रॉपर मॉक ऑफ एंटायर हिस्ट्री. सो प्लीज मेक श्योर कि ये मिस ना करें, ठीक है, जो लोग लेट आए हैं. मंडे को हमारा सेशन होने वाला है 11 बजे जहां पे हम पोस्ट मॉडर्न पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. तो संडे मंडे दो दिन 11 बजे क्लास है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अस. चलो, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बिल्कुल सही ए, क्योंकि जो सीट्स रिजर्व हुए थे, एंड दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक फोटो हमारे पूना पैक्ट का. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पूना पैक्ट वाज साइंड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस क्लासेस 24 सितंबर 1932. हमेशा याद रखिएगा 1929 से 1932 वाला जो एरिया हो गया इसको ठीक से करिएगा, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मे बी चारों इवेंट 1932 के हो एंड दे विल टेल यू टू अरेंज. तो ये सब इवेंट्स में ना जो मंथ्स है, जो महीने में स्पेसिफिकली ये सब इवेंट्स हो रहे हैं, इनका मंथ्स भी देख लीजिएगा, ठीक है. वो ईयर्स जिसमें काफी मेजर इवेंट्स हो रहे हैं प्लीज उसका मंथ देख लीजिएगा, स्पेसिफिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के, ठीक है, ताकि आपको क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन में मंथ के बेसिस से आप ना फंसे, ठीक है. सो पूना पैक्ट अबैंडन द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एट द सेम टाइम. यहाँ पे सीट्स रिजर्व किए थे डिप्रेस क्लासेस के लिए जो कि इंक्रीज हो गए थे 71 to 147 प्रांतीय लेजिस्लेचर में, 218% इन टोटल सेंट्रल लेजिस्लेचर. कई बार आपको ये नंबर्स आ जाता है, इस बार भी सेट एग्जामिनेशन में नंबर पूछा गया था, ठीक है. एंड स्पेसिफिकली जो कम्युनल अवार्ड था पूना पैक्ट, उसका एक अमेंडमेंट था जो स्पेसिफिकली एक्सेप्ट किया गया था इन द एंड. चलिए नंबर 13, इनमें से कौन सी प्रपोजल है जिसको क्रिप्स मिशन ने दिया था. एक संविधान सभा बनेगी स्पेसिफिकली जो हमारी कंट्री का संविधान डिसाइड करेगी. इंडिया की जो डिफेंस है वो इंडियंस ही कंट्रोल करेंगे. कोई भी ऐसी प्रांत जिसको मान लो इंडियन डोमिनियन नहीं ज्वाइन करना है वो अपना खुद का यूनियन, खुद का संविधान बना सकती है. एंड जो माइनॉरिटीज के अधिकार थे इसको सेफगार्ड किया जाएगा संविधान सभा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में नेगोसिएशन से. तो इनमें से कौन से प्रपोजल्स हैं जो कि क्रिप्स मिशन ने दिया था, ठीक है. सो देश के नए संविधान स्पेसिफिकली बनाने के लिए संविधान सभा का गठन, ठीक है. भारतीय की रक्षा भारतीयों के द्वारा ही होगी. कोई भी प्रांत जो भारत के डोमिनियन में शामिल नहीं होना चाहता है आप अपना अलग संघ अलग संविधान बना लो, ठीक है. एट द सेम टाइम जो हमारे माइनॉरिटीज थे उनके राइट स्पेसिफिकली सेफगार्ड किए जाएंगे, ठीक है, बाय ब्रिटिशर्स एंड हमारी जो गवर्नमेंट है उनके बीच में बातचीत से. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट. चलो बिल्कुल सही है. सो द करेक्ट आंसर इज 1, 3 and 4. अगर वो रक्षा नीति भारतीयों को ही दे देंगे तो फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं बना. रक्षा नीति, फाइनेंस, दीज वर द थिंग्स जो ब्रिटिशर्स इस टाइम पे कभी भी इंडियंस को नहीं देंगे, है ना. तो 2 तो बाय लॉजिक ऑल्सो विल गो स्पेसिफिकली रॉन्ग. सो क्रिप्स मिशन, सबसे पहले इन्होंने बोला भाई हमें एक इंडियन डोमिनियन सेटअप करनी है, हम क्या करेंगे, हम ये डोमिनियन आपके लिए सेटअप कर देंगे, आपके पास फ्रीडम है, आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो वो आपके ऊपर है. हम एक संविधान सभा बनाएंगे जो आपकी कंट्री के लिए स्पेसिफिकली संविधान तैयार करेगी, ठीक है. हर वो प्रांत जिसको नहीं ज्वाइन करना है वो अपना अलग यूनियन और अलग संविधान बना सकते हैं, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ पावर और माइनॉरिटीज के अधिकार सेफगार्ड किए जाएंगे. संविधान सभा ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में नेगोसिएशन होगा जिससे हम इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे. और इस पूरे टाइम फ्रेम में जब तक ये हो रहा है, नया संविधान जब तक नहीं आता है, डिफेंस ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल करेंगे और गवर्नर जनरल का जो पावर है वो जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है. तो ये सब थ्योरी क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन के लिए प्लीज मेक श्योर कि आप एक बार इसको थोड़ा ठीक से पढ़ लें, क्योंकि एक्ट दो तरीके से आ चुके हैं. एक तो सिंपली आपको फीचर्स पूछा गया है, एक फीचर्स बोल के दे विल आस्क यू कौन सा एक्ट है. तो दोनों क्वेश्चन के लिए बी प्रिपेयर्ड, ठीक है. चलिए नंबर 14, वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट स्वराजस का था कि उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल को स्पेसिफिकली डिफीट किया था इन द ईयर 1928. रीजन, कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स स्पेसिफिकली बैकबोन थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के एंड दे वर वन ऑफ द एक्टिव ऑर्गेनाइजर. सो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं या गलत हैं या दोनों गलत हैं या एक्सप्लेनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है. सो 1928 में स्वराजवादियों की एक मेजर उपलब्धि थी सार्वजनिक सुरक्षा विधायक की परिचय. एट द सेम टाइम रचनात्मक कार्य एक सक्रिय आयोजक के रूप में सविनय अवज्ञा की रीढ़ के रूप में स्थापित हुए. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट. चलो ठीक है. सो लेट्स सी हु इज गिविंग द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. पद्मिनी इज करेक्ट, देन मनोज, मोनिका, अर्पिता बिल्कुल सही है, सचिन, स्नेहा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बी.
क्योंकि दोनों, आपको पता है 1920 में जब चौरी चौरा हुआ था तो देर वॉज अ डिबेट कि हम काउंसिल एंट्री करेंगे या हम कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे. तो जो ऑफिशियल रेजोल्यूशन था उसमें बोला गया कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, बट स्वराज पार्टी वेंट फॉर काउंसिल एंट्रीज, है ना. तो ये उनके बारे में बता रहा है. दीज आर टू सेपरेट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये आपको बता रहे हैं टेक्निकली कि भाई स्वराजस कैसे सक्सेसफुल थे बिल्कुल डिफीट करने में. दूसरा आपको ये बता रहे हैं कंस्ट्रक्टिव काम का फायदा. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट ऑब्वियसली दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है. दोनों अलग अलग इंफॉर्मेशन है अबाउट द एक्टिविटीज जो जनरली 1920 के बाद हुए. ठीक है, चलिए मूविंग टू नंबर 15. इनमें से कौन है, हु वाज द लीडर ऑफ द डेलीगेशन ऑफ इंडिया दैट साइन द यूनाइटेड चार्टर इन 1945? 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रतिनिधि मंडल के नेता कौन थे? सो वी हैव रामस्वामी बुदलियार, जवाहरलाल नेहरू, देन वी हैव लॉर्ड वेवल, या बेसिकली किंग जॉर्ज द सिक्स. चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, रामस्वामी मुदलियार. मूविंग टू नंबर 16. इनमें से कौन है जो कि एसोसिएटेड थे विद महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निमूलन समिति? हु वॉज एसोसिएटेड विथ इट? चंडी प्रसाद भट्ट, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दाबोल की, हम बात कर रहे हैं जी डी अग्रवाल की, और बेसिकली कैलाश सत्यार्थी की. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निमुनल समिति में कौन, इनमें से कौन है जो संबंधित थे? और ये एसोसिएशन क्यों आया था? जो सुपरस्टिशंस है, जो अंधविश्वास है, उसको मोस्टली दूर करने के लिए. सो विच इज करेक्ट फ्रॉम हियर? चलो, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी. काफी लोगों का 15 16 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ है, इसका मतलब है थोड़ा वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चंस पे ध्यान देना है. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर हियर द करेक्ट आंसर इज नरेंद्र धाबोलकर. मूविंग टू नंबर 17. जब हम चार्टर एक्ट 1813 की बात करते हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही है? चार्टर एक्ट के तहत स्पेसिफिकली कंपनी ने बोला था कि भाई हम एडुकेशन को काफी मेजर इंपॉर्टेंस देंगे एंड 10 लाख रुपीज स्पेसिफिकली साइड हुआ था इस पर्पस के लिए. इस एक्ट ने स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया था फाइनेंशियल ग्रांट कि भाई जो भारतीय इतिहास है, जो लिटरेचर है, साइंस के प्रमोशन के लिए. ये एक्ट ने स्पेसिफिकली काफी ज्यादा पावर्स एंड अथॉरिटीज दिया था फॉर द कोर्ट्स इन इंडिया ओवर यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1813? ठीक है, सो कंपनी के उनके अधीन भारतीयों की शिक्षा के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई जिसमें उन्होंने 10 लाख रुपीज को साइड कर दिया. अधिनियम ने भारतीय साहित्य जो है स्पेसिफिकली उनके पुनत्व और विज्ञान को बढ़ावा दिया, और स्पेसिफिकली आप देखोगे यहाँ पे जो आपके लिटरेचर हो गए, साइंस हो गया, इसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिला. इस अधिनियम में यूरोपियन ब्रिटिश विषयों पर भारत में न्यायालयों के लिए अधिक शक्ति और अधिकार दिए. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? चलो, सो द करेक्ट आंसर हियर इज दी 2 एंड 3. ये गलत है क्योंकि ऑब्वियसली 10 लाख रुपीज साइड नहीं हुए थे. ठीक है, हाउ मच मनी? 1 लाख रुपीज वो स्पेसिफिकली गिवन. तो सबसे पहले ये जो चार्टर एक्ट 1813 आई थी, इसने क्या क्या किया था? सबसे पहले जो कंपनी का जो रूल है वो 20 ईयर्स और आगे बढ़ गया था. ठीक है, एट द सेम टाइम उनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी ओपियम एंड विद चाइना, एट द सेम टाइम इस कंपनी का जो डिविडेंड है वो फिक्स हुआ था 10.5% में. लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया गया था कि भाई आप लोगों को टैक्स कर सकते हैं. एट द सेम टाइम इस एक्ट ने पावर दिया था टू कोर्ट्स इन इंडिया यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर. उसके अलावा इस फैक्ट के तहत मिशनरीज को भी परमिशन मिला था कि आप स्पेसिफिकली इंडिया आ सकते हैं. ठीक है, इस एक्ट ने फाइनेंशियल ग्रांट भी दिया था भारतीय लिटरेचर और साइंस के प्रमोशन के लिए, और इस पूरे प्रमोशन के लिए 1 लाख रुपीज जो है ये स्पेसिफिकली साइड किया गया था. ठीक है, नंबर 18. With reference to Sarojini Naidu, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? इन द ईयर 1922 सरोजिनी नायडू इलेक्ट हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये वुमेन गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की. 1919 में ये इंग्लैंड गई थी एज अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया होम रूल डेप्यूटेशन. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है रिगार्डिंग सरोजिनी नायडू? ओके, सो वर्ष 1922 में स्पेसिफिकली ये गई थी. आप देखोगे स्पेसिफिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में ये चुनी गई थी. ये उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल थी. ठीक है, 1919 में स्पेसिफिकली आप देखोगे ये इंग्लैंड गई थी एज अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया होम रूल डेपुटेशन. सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है?
लेट्स सी हु गेट्स दिस राइट. तो देखते हैं ये क्वेश्चन किसने सही किया है. लेट्स सी हु गेट्स दिस राइट. अच्छा इसको जनरली आप 1 2 3 स्टेटमेंट समझ लेना, ठीक है. सो विच इज करेक्ट, देखते हैं किसने सही जवाब दिया इसका. आई थिंक वेरी लेस पीपल, आई थिंक सचिन संतोषी, देन आई थिंक अर्जुन हैज गिवन द राइट आंसर, देन देन अजय हैज गिवन द राइट आंसर. हाँ आप सब दे रहे, निशु मोनिका शिवप्रिया पुष्पा सुमित्रा, करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज 2 and 3. सबसे पहले ये तो गलत है, ये तो आप सबको पता है. कौन सा सेशन था एवरीबडी, विच इज द सेशन? ऑब्वियसली 1920 नहीं, हम सबको पता है 1925 सेशन. तो ये तो सबको पता है, ये दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, ठीक है. तो जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा रेफरेंस याद रखिएगा, ये यूपी की प्रॉपर आप देखोगे स्पेसिफिकली महिला राज्यपाल थी. एट द सेम टाइम 1919 में ये भारतीय होम रूल प्रतिनिधि के सदस्य के रूप में इंग्लैंड भी गई थी. ये दोनों बिल्कुल सही है, इसमें बस सेशन गलत है, ठीक है. सो फॉर जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको अपने दिमाग में रखना है. मूविंग टू नंबर 19, द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1934, इस किताब की ऑथर कौन है? मौलाना अबुल कलाम, देन वी हैव जयप्रकाश नारायण, देन वी हैव सुभाष चंद्र बोस, और बेसिकली एम एन रॉय. सो हु वॉज स्पेसिफिकली द ऑथर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1934? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस एंड एम एन रॉय. चलो ठीक है. सो द करेक्ट आंसर हियर सुभाष चंद्र बोस. मूविंग टू नंबर 20, विथ रिस्पेक्ट टू प्रांतीय इलेक्शंस जो कि स्पेसिफिकली हुए थे 1937 में, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स है जो सही नहीं है, ठीक है. ये इलेक्शंस हुए थे 11 प्रांतों में, ठीक है. मुस्लिम लीग को मेजोरिटी मुस्लिम वोट मिला था, सिर्फ 10 से 12% ही जनसंख्या थे जो वोट कर सकते थे, ठीक है. कांग्रेस ने बैडली परफॉर्म किया था इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थे. तो जब हम प्रांतीय इलेक्शन की बात करते हैं जो हुई थी 1937 में, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, ठीक है, विच इज इनकरेक्ट. सो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि गलत है, वो कौन सी है? परफेक्ट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, जो कि इनकरेक्ट है. सबसे पहले इस टाइप के थ्योरी क्वेश्चंस को थोड़ा देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं एरिया से थ्योरीज निकलते हैं जहां पे मोस्ट एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन होता है. 1937 में जो प्रांत इलेक्शंस हुए थे, पहली बार 11 प्रांतों में हुआ था. मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल, पंजाब एंड सिंध, ठीक है. सेकेंड, सिर्फ 10 से 12% ही लोग थे जिनको प्रॉपर वोटिंग के राइट दिए गए थे, ये भी बिल्कुल सही है. कांग्रेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, इनको मेजोरिटी भी मिली थी 5 out of 11 प्रोविंसेस में, जिसमें से 7 में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी बनाई थी. इट डिड बैडली इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कि रिजर्व किए गए थे मुस्लिम्स के लिए, बट मुस्लिम लीग जो थी इन्होंने काफी पुअर परफॉर्म किया था. 4.4% ही इनको स्पेसिफिकली वोट जो है ये मिले थे. मुस्लिम लीग फेल टू विन अ सिंगल सीट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस स्पेसिफिकली, और आप देखोगे इन्होंने स्पेसिफिकली 2 out of 84 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स कैप्चर किया था पंजाब में, एंड 3 out of 33 स्पेसिफिकली इन सिंध में, ठीक है. चलिए मूविंग टू नंबर 21, With reference to Indian Council Act 1892, इनमें से कौन से statements हैं जो सही है? The number of members in imperial and provincial council ये बढ़ गए थे इस act के तहत, and जो election का जो element है, चुनाव का element, ये इस act के तहत introduce हुआ. So which is correct? ठीक है, so the last 5 questions, let's do this. So 19 specifically Indian Council Act जो था 1892 में, इनमें से कौन से statements हैं जो सही है? अच्छा अब मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग दिस रॉन्ग, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है. यहाँ पे जो आंसर्स है एक्चुअली दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है. कैसे? सबसे पहले ये जो एक्ट आई थी 1892 में, बहुत सारे एडिशनल मेंबर्स इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल काउंसिल में रेज हुए थे, ठीक है. जो इंपीरियल काउंसिल थी उसमें गवर्नर जनरल अप्रोक्सीमेट 10 to 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ला सकते थे, ठीक है. पहले 6 से 10 था, अब स्पेसिफिकली 10 से 16 हो गए. दूसरा, यहाँ पे जो एडिशनल मेंबर्स थे, कुछ एडिशनल मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट कर सकते थे, तो इलेक्शन का जो एलिमेंट है वो इसमें था, ठीक है. बजट डिस्कस कर सकते थे, हाउएवर वोट नहीं कर सकते थे. अगर आपको लगता था बजट में कुछ गड़बड़ है तो उसमें चेंजेस भी नहीं कर सकते थे, ठीक है. नंबर 22,
इनमें से कौन से फॉरिनर्स हैं जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? हेनरी कॉटन, जॉर्ज यूल और विलियम वेडरबर्न. सो इनमें से कौन से फॉरिनर्स हैं जो स्पेसिफिकली कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे? विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट. और कौन सा सेशन था? चलो ये तो मोस्ट ऑफ यू वुड से इट, बट किसका क्या सेशन था? क्योंकि यहां से आ जाएगा मैच द फॉलोइंग, यहां से आ जाएगा आपको वन लाइनर क्वेश्चंस. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? हाँ, संडे को और मजा आएगा क्योंकि संडे को आई विल गिव यू वेरी नाइस क्वेश्चंस. ठीक है, तो जो मॉडर्न इंडिया के कुछ ऐसे सेक्शंस है ना जो मुझे लगता है कि आपने अभी तक इग्नोर कर रखा होगा कि यहां से कुछ नहीं आएगा, वहां के सेक्शंस आई एम गोइंग टू गिव यू थ्योरी. सो संडे क्वेश्चंस आई विल ब्रिंग यू क्वाइट इंटरेस्टिंग सा थ्योरी. सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन. ठीक है, तो विच इज करेक्ट हियर? ये तो चलो इजी है, सारे ही सही है. सो जॉर्ज यूल 1888, विलियम वेडरबर्न 1889-1910, अल्फ्रेड वेब 1894, हेनरी कॉटन 1904, एनी बेसेंट 1917. सो ये जो हेनरी कॉटन है इन्होंने प्रिसाइड किया था बॉम्बे सेशन 1904. ठीक है, जॉर्ज यूल स्पेसिफिकली अलाहाबाद सेशन 1888, विलियम वेडरबर्न बॉम्बे सेशन 1889 और अलाहाबाद सेशन 1910. ठीक है, चलिए नंबर 23, इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करना है. मीरठ कॉन्स्पिरसी केस, HSRA formation, Congress Socialist Party and Kanpur conspiracy case. So Meerut Shadyantra case, then we have HSRA formation, Congress Socialist Party ka gathan or basically Kanpur Shadyantra case. So inme se kaun si correct chronological order hai? So two more questions and then let's see. Chalo. So the correct chronological order, which I think most of you have said it. Chalo. संडे का टाइम है 11 AM. ठीक है, और क्वेश्चन सेशन होगा ऐप पे, तो आपको ऐप पे आना पड़ेगा. मैं सैटरडे को आपको रिमाइंड करा दूंगी. ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, कानपुर कॉन्स्पिरसी 1924, एचएसआरए 1928, मेरठ कॉन्स्पिरसी 1929 एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934. नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ये जो शोर कमिटी आई थी 1914 में, इनका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इंक्रीज करना जो सिर्फ मुस्लिम्स को दिए गए थे, है ना? इनका स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव था जो ज्यूरिस्ट्रिक्शन है कि भाई वाइसराय का क्या काम है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का क्या काम है, इसके बारे में डिस्कस करना. इनका काम था जो भी पैसेंजर्स है, जो भी जहाज में यात्री हैं, स्पेसिफिकली जो आपका बेसिकली कोमागटा मारू जहाज था उसके यात्रियों के जो अधिकार है उसको स्पेसिफिकली असर्टन करना, या इंडिया जो पार्टिसिपेट कर रही थी वर्ल्ड वॉर वन में इनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना. सो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ शोर कमिटी ऑफ 1914? ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर विच इज सी. तो इनका क्या काम था? ये जो शोर कमिटी है स्पेसिफिकली इसको फॉर्म किया गया था कि भाई जो भी पैसेंजर्स है उनके अधिकारों से रिलेटेड उनके अधिकारों को असर्टन करना. ये शोर कमिटी की लीडरशिप की थी हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह ने, एंड स्पेसिफिकली फंड्स रेज किया गया था, प्रोटेस्ट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुआ था कि भाई ये जो पैसेंजर्स है इनके अधिकार से रिलेटेड ये कमिटी थी. ठीक है, सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, जब हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं कौन सा स्टेटमेंट्स है जो सही है? ये पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस था ब्रिटिश और भारतीयों का जो कि इक्वल बेसिस पे हुआ था, एंड बेसिकली जहानारा शाहनवाज एंड राधाबाई सुब्रमण्यम इन्होंने स्पेसिफिकली वुमेन को रिप्रेजेंट किया था और ये रिप्रेजेंटेटिव थी जस्टिस पार्टी की. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही है? सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड हियर वी गो. अच्छा, सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस एवरीवन, सबसे पहले तो इनका आप मंथ्स देख लीजिएगा. ठीक है, सेकंड जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, अगर आपने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अच्छे से याद किया है तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स सेकंड थर्ड में चेंज नहीं होते, सेम ही रहते हैं. थोड़ा बहुत जो प्रिंसली स्टेट्स है उनकी लिस्ट देख लीजिएगा, वो थोड़ा बहुत आप देखोगे चेंज होता है. ठीक है, मोर ऑर लेस आप देखोगे थर्ड तो ऑलमोस्ट खाली ही जाता है. तो अगर आपने फर्स्ट थोड़ा ठीक से याद किया है, सेकंड में कुछ दो तीन चार लोग एडिशंस होते हैं अलग अलग पार्टीज में, थोड़ा प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स ऐड हो जाते हैं, बाकी मोर ऑर लेस जो लिस्ट है वो सेम रहती है. तो फर्स्ट को थोड़ा अच्छे से याद कर लेना है, स्पेसिफिकली जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके तरीके से कौन गया है, जस्टिस पार्टी के तरीके से कौन गया है, वुमेन को रिप्रेजेंट किसने किया है. ठीक है, ये जो लिस्ट है इसको एक बार आपको देख लेना है. सो लेट्स सी विच इज करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर हियर स्पेसिफिकली इज ए.
ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जहां पे ब्रिटिशर्स और इंडियंस को एज एन इक्वल रखा गया था। तभी जब गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, आप देखो कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, ना तो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड रहती है किसी भी कंक्लूजन में आने में, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज होती है, जो न्यू गवर्नमेंट कहती है वो ये कहती है कि भाई इंडियंस को एज अ होल प्रॉपरली एकजुट रहने की, इक्वल तरीके से ट्रीट करने की जरूरत क्या है। ये पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस था जहां ब्रिटिशर्स इंडियंस को बुलाते हैं सो दैट हम डिस्कस कर सकते हैं बैठ के, ठीक है। तो पॉइंट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था नवंबर 90 से जनवरी 1931। इसको ऑफिशियली ओपन किया था किंग जॉर्ज द फिफ्थ ने 12 नवंबर 1930 को। इसको चेयर किया था रामसे मैकडोनल्ड ने। ये पहला कॉन्फ्रेंस था जहां पे ब्रिटिशर्स इंडियंस एक तरीके से आए थे कि भाई साइमल्टेनियसली डिस्कशन होगा और कुछ कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। हाउएवर कांग्रेस ने इसको अटेंड नहीं किया था। क्यों नहीं अटेंड किया था? क्योंकि हम स्पेसिफिकली लेके गए थे अपने इंपॉर्टेंट क्लॉसेस। हमने बोला था भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम डोमिनियन स्टेटस इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, बट वाइसरॉय ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया था, तो वी सेड कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, है ना। हाउएवर बहुत सारे ग्रुप ने अटेंड जरूर किया था। हिंदू महासभा वॉज अटेंडेड बाय बी एस मुंजी, एम आर जयकर, दीवान बहादुर राजा, देन वी हैव बेगम जहानारा शाहनवाज, राधाभाई सुब्रमण्यम। इन्होंने महिलाओं को रिप्रेजेंट किया था। और आप देखोगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन ऐड हो जाता है? सरोजिनी नायडू गेट्स एडेड। लिबरल्स को रिप्रेजेंट किया था जे एन बासु, तेज बहादुर सप्रू, सीवाई चिंतामणि, वी एन एस श्रीनिवास शास्त्री एंड चिन्मनलाल हरीलाल। डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड रेतनामलाई श्रीनिवासन। जस्टिस पार्टी को रिप्रेजेंट किया था रामस्वे मुदलियार, भास्कर राव एंड बेसिकली एपी पात्रू। लेबर्स को रिप्रेजेंट किया था एम एन जोशी एंड सदाशिव राव ने, ठीक है। सिख्स को रिप्रेजेंट किया था उज्जवल सिंह एंड संपूर्ण सिंह ने। पारसीज को रिप्रेजेंट किया था फिरोज था, कोबस जहांगीर एंड होमी मोदी ने। तो जैसे जस्टिस पार्टी हो गया, लेबर्स हो गए, वुमेन हो गए, ये सब पे आपको कभी मैच द फॉलोइंग या कॉम्प्रिहेंशन के नीचे ऐसा वन लाइन क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी कॉमन एरिया, बहुत टाइम से इस एरिया से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मे बी दे कैन जस्ट गेट दिस एरिया बैक ऑन पेपर अगेन, ठीक है। तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन लर्न कर लीजिएगा, प्रिंसली स्टेट सेपरेटली, क्योंकि वो आपको दे सकते हैं स्पेसिफिकली कौन किस कॉन्फ्रेंस में था, वहां से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जो मोस्ट लोगों का गलत होगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम देख के ये लिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। एंड दिस इज आर होमवर्क क्वेश्चन। 1930 मार्च 12 महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था हिज डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम इन दी मद्रास प्रेसिडेंसी। स्पेसिफिकली ये जो बेसिकली हमारा वेदरन मार्च था ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? सो खान अब्दुल गफर खान, लाला लाजपत राय, राजा जी और पी वेंकैया। सो प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इन द नेक्स्ट क्लास, जो कि अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। आई वांट टू सी हु गिव्स द राइट आंसर, ठीक है। सो आई होप एवरीवन यू एंजॉयड द सेशन एंड आई होप कि आपको मजा आया एंड आपने बेसिक क्वेश्चंस जो है इसको आंसर किया। आप प्लीज भूलिएगा मत मुझे ज्वाइन करना, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो अब हम मिलेंगे संडे को 11 बजे ऐप पे, पूरा का पूरा हिस्ट्री का रिवीजन होगा, डू नॉट फॉरगेट। और हम मंडे को मिलेंगे 11 बजे विथ मौर्यन पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज, ठीक है। तो ये दो सेशन है, तो मैं अब आपसे मिलूंगी संडे को। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन, सेव इट एवरीवेयर एंड मेक श्योर दैट यू अटेंड द सेशन। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और पूरा सिलेबस करेंगे तो पूरा रिविजन करके आएगा। मेरा थोड़ा फोकस रहेगा थ्योरी क्वेश्चंस पे, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेयर यू आर मोस्टली गोइंग रॉन्ग। तो कोशिश करेंगे कि थ्योरी क्वेश्चंस गलत ना हो एंड सम इंटरेस्टिंग एरियाज जैसे सोसाइटी हो गया, और मोस्टली फॉर एग्जाम्पल अभी नहीं बताऊंगी, उस दिन डिस्क्लोज करूंगी, ठीक है। तो प्लीज डू कम फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन एंड यू विल लव दैट सेशन, ठीक है। तो 11 बजे टाइम पे पहुंच जाइएगा। सी यू ऑन संडे, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।